आज हम सबसे पहले जो है ना वो अर्थवर्म की आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। जब हमने अर्थवर्म की आइडेंटिफिकेशन करनी है, सबसे पहले हमने अर्थवर्म को जो है ना वो सॉइल से कलेक्ट करना है। हम ऑलरेडी अर्थवर्म को सॉइल से कलेक्ट करके ले आए हैं। जब हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है, हमने जो सॉइल से अर्थवर्म उठाए होंगे उनको हमने जो है ना वो टैप वाटर के साथ जो है वो वॉश कर लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने जो है ना वो टैप वाटर में अर्थवर्म को वॉश कर लिया है। अब जब हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, इसका सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने इसे अलग से पेटी डिश में ले लेना है। पेटी डिश में लेने से हमने लेने के बाद हमने जो है ना इसमें एथानॉल जो है ना वो डालनी है इसको डेड करने के लिए। जब अर्थवर्म अच्छी तरह से डेड हो जाएगा उसके बाद हम इसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन को हम इसकी मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स देखते हैं आइडेंटिफिकेशन में। बेसिकली ये अर्थवर्म की स्पीशीज़ है लम्ब्रिकस ट्रेस्टियस। लम्ब्रिकस ट्रेस्टियस की हम जो है ना वो आइडेंटिफिकेशन करने लगे हैं। हमने एक दो मिनट के लिए इसे एथानॉल में डिप करना है। जब हमें फील हो कि ये डेड हो गया उसके बाद हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। अब इसको हमने अलग से पेटी डिश पे निकाल लेना है। अब हमने मोबाइल में माइक्रोस्कोप जो